हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपराज चंद्राकर और आप देख रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है आपका उसका क्रैश कोर्स। ठीक है ना, ऑलरेडी आपने बहुत सारे लेक्चर देखे होंगे तभी इस लेक्चर तक पहुंचे होंगे। जिनको लगता है कि ये फर्स्ट लेक्चर जो देख रहे हैं है ना, तो प्रीवियस लेक्चर भी आप देखना स्टार्ट कीजिए। प्रीवियस लेक्चर से अगर देखना शुरू करोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है, यू विल फील दिस सब्जेक्ट और मतलब आपका जो प्रिपरेशन है ना वो एक अलग लेवल पर बढ़ते जाएगा। बहुत लोगों का मुझे लगता है, जिस तरीके से आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो मुझे लगता है आप लोगों का फायदा हो रहा है, बहुत अच्छे वे में फायदा हो रहा है। मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन द ग्रेट प्लेटफॉर्म, आई थिंक सो। और यही हमारा एम्बिशन था, कि हमारा एम था इस क्रैश कोर्स के पीछे, कि आप लोगों को फायदा मिल सके, ऑप्टिमम यूज कर सको आप टाइम का। ऑप्टिमम मीन्स वॉट? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन विद द मिनिमम डिसएडवांटेजेस। मतलब मैक्सिमम एडवांटेजेस विद द मिनिमम डिसएडवांटेजेस, यही आपका ऑप्टिमाइजेशन होता है, एक तरीके से आप सोच सकते हैं। ठीक है ना, सो मुझे लगता है कि आप लोगों को मजा आ रहा है, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं डेली बात कर रहा हूँ आप लोगों से। ठीक, सो लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को शीट मेटल ऑपरेशन के बारे में बताया था, क्या होता है पंचिंग, क्या होता है ब्लैंकिंग, साथ के साथ क्या होता है उसमें एनर्जी, दैट इज नथिंग बट योर वर्क डन, दैट इज नथिंग बट योर वर्क डन। साथ के साथ मैंने बताया था कि शेयर अगर कर देंगे पंच पे तो क्या असर होता है उसके फोर्स पे, मैक्सिमम फोर्स पे क्या चेंजेस होते हैं, वो सब के बारे में बताया था, कौन सा फॉर्मूला कब यूज होना चाहिए ये भी बताया था और कुछ क्वेश्चन कराया था। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि यार जो वर्कबुक है उसके सवाल आपको करना है, जो क्रैश कोर्स में आपको वर्कबुक मिला है। देखिए वर्कबुक मैं आज देखता हूँ है ना, अपने FB पे भी मैं डाल दूंगा, एज सच इतना मुझे वो नहीं है, आइडिया नहीं है, लेकिन आज मैं कर दूंगा। ठीक है ना, FB पे मैं कर दूंगा कि अपना जो ये तीन सब्जेक्ट जो चल रहे हैं उनके PDF मैं अपने FB पे डाल दूंगा, तो वहाँ से ले सकते हो। और नहीं तो टेलीग्राम चैनल है यार, वहाँ जाइए गेट अकेडमी मैकेनिकल ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। आप जाइए और एक बार रिक्वेस्ट डाल दीजिए कि हाँ भाई हमें चाहिए। वैसे तो पुराने 100 मैसेज ऐसा कुछ दिखते हैं, तो उसमें होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो रिक्वेस्ट डाल दीजिए, कोई ना कोई शेयर कर देगा। सो इसके लिए ना जितने पैनिक होते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, है ना, क्योंकि आगे एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं वहाँ पर टेम्परामेंट की ज़रूरत है। वहाँ पर इस तरीके से अगर छोटी छोटी बातों में आप पैनिक होंगे तो बहुत मुश्किल होगा ये एग्ज़ाम निकालना। तो सबसे पहले आप काम हो जाइए आराम से। हाँ, हमको चाहिए एक अटैकिंग मोड चाहिए रहता है, बट वो एकदम प्लान्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम पैनिक हो गया हाँ ये करना है, नहीं, वैसे में एग्ज़ाम निकालना मुश्किल हो जाएगा। आप सभी पढ़े होंगे या सुने होंगे, जितना कम एंट्रोपी उतना ज़्यादा एफिशिएंसी, मतलब जितना कम रैंडमनेस होगा उतना ज़्यादा एफिशिएंटली आप काम कर पाएंगे। तो हड़बड़ाना नहीं है, बहुत आराम से चलना है। ठीक है, चलिए, होपफुली आपने होमवर्क अटेम्प्ट किए होंगे, एटलीस्ट मैं आज आप लोगों को उस क्वेश्चंस के और व्यूज देने की कोशिश करूंगा कि क्या आपने ऐसा सोचा था, है ना। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको नई सीखने को मिले, आप इससे पहले नहीं सोचे रहे होंगे, आपको आज सोचने का मौका मिल जाएगा, आपको देखने का मौका मिल जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 40 वर्कबुक का, कह रहा है द परसेंटेज स्क्रैप इन अ शीट मेटल ब्लैंकिंग ऑपरेशन। ब्लैंकिंग है भाई। सो ब्लैंकिंग में आपका प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट इज डिस्क, ये प्रोडक्ट होने वाला है। और दूसरा पोर्शन क्या होगा? दैट इज योर स्क्रैप, जो प्लेट बच जाता है, होल प्लेट, ये स्क्रैप होने वाला है, स्क्रैप। ठीक, सो कह रहा है कि भाई द परसेंटेज ऑफ स्क्रैप इन अ शीट मेटल ब्लैंकिंग ऑपरेशन ऑफ अ कंटिन्यूअस स्ट्रिप ऑफ शीट मेटल्स एज शोन इन द फिगर। ओके, करेक्ट अप टू 2 decimal places, ये इस तरीके से कुछ दिया है।
इस तरीके से कुछ दिया है। कंटिन्यू ऑपरेशन है ना, कंटिन्यू ऑपरेशन है, और इस पे ये दे रखा है, ये वाला डिस्टेंस दे रखा है डी बाई फाइव, ये वाला डिस्टेंस दे रखा है डी बाई फाइव, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी बाई फाइव, ये भी डी बाई फाइव, ये भी डी बाई फाइव, ये भी डी बाई फाइव है, ये भी डी बाई फाइव है, और ये भी डी बाई फाइव है, ये सब दे रखा है। और यहाँ पे जो ब्लैंक निकल के आ रहा है, ये ब्लैंक हुआ, दिस इज डी, सो दिस इज प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट होगा ऑब्वियसली, और ये पोर्शन आपका स्क्रैप होने वाला है, स्क्रैप होने वाला है। नाउ माय डियर, इस सवाल में ना सबसे पहली बात ये समझना है कि यार यहाँ पे तो तीन ही होल दिया है, इसका ये मतलब है क्या तीन ही होल प्रोड्यूस कर रहा होगा, या मतलब एक्चुअली इसमें तो प्रोड्यूसिंग मुझे क्या करना है, डिस्क प्रोड्यूस करना है, मतलब क्या तीन ही ब्लैंक प्रोड्यूस कर रहा है क्या, नहीं, क्वेश्चन में लिखा है कंटिन्यूस। सो आप ना ये फिगर में जो दे रखा है तीनों को कंसिडर कर सकते हो, आप सिंगल को भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन उससे पहले ना सोचना है थोड़ा सा, क्या सोचना है यार, ये प्रोडक्ट है ओरिजिनली क्या रहा होगा आपके पास, ये पूरा शीट रहा होगा आपके पास, ये पूरा शीट रहा होगा इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से आपका शीट रहा होगा, ठीक। सो इसमें से आप अभी जो फिगर दिख रहा है उसमें तीन होल आपने निकाला है, तीन मतलब ब्लैंक आपने निकाला, तीन होल बन रहा है, ठीक है ना। सो प्रोडक्ट इज द ब्लैंक, प्रोडक्ट इज द ब्लैंक दैट इज योर डिस्क, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना, डिस्क आपका ब्लैंकिंग में डिस्क आपका प्रोडक्ट होने वाला है। अब देखिए ये वाला वर्टिकल कितना होगा, ये वाला लेंथ वो निकाल सकता हूँ क्या, ये कितना है डी के बराबर, ये डी बाई फाइव, ये डी बाई फाइव, मतलब ये लेंथ तो कंफर्म है सर, इट इज डी प्लस डी बाई फाइव, ये वाला और ये वाला प्लस डी बाई फाइव, मतलब ये पूरा ये वाला विड्थ, ये पूरा विड्थ सेम होगा। अब तीन, अगर तीन होल प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब वहां से आपने अगर तीन ब्लैंक या डिस्क निकाला है, सो वो क्या हो, उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, अगर मैंने इसका विड्थ मान लिया तो इसका लेंथ अगर मैं बोलूं जहां से आपने तीन निकाला होगा, अगर मैं बोलूं चलो ये वाला पोर्शन, ये डी बाई फाइव, डी बाई फाइव फाइव, सेवन डी बाई फाइव आ गया, ठीक है ना, इसको सीधा लिख देता हूं भाई, सेवन डी बाई फाइव, ताकि मैं आपको फिगर से इजली बता सकूं। ये तो रैंडम लेंथ का था, रैंडम लेंथ का था, मुझे ये मिल गया कि इतने विड्थ का मुझे प्लेट चाहिए, पहली चीज सेवन डी बाई फाइव का प्लेट चाहिए, सेवन डी बाई फाइव का प्लेट चाहिए। ये विड्थ अगर यहां से तीन ब्लैंक प्रोड्यूस करना है, मतलब तीन होल होंगे, तो यार दो होल के बीच का डिस्टेंस कितना है डी बाई फाइव, मतलब एक्चुअली इस होल का आधा इधर, इस होल का आधा इधर, क्लियरेंस वैसी होगा, इस होल का आधा इधर, इस होल का आधा इधर, मतलब दो होल के बीच में डी बाई फाइव डिस्टेंस है, मतलब एक्चुअली इसका इधर डी बाई फाइव आधा होगा, इसका भी डी बाई फाइव आधा होगा, मतलब एक्चुअली यहां पे क्या होगा, डी प्लस डी बाई फाइव प्लस डी, डी बाई फाइव प्लस डी, डी बाई फाइव का आधा यहाँ पे, डी बाई फाइव का आधा यहाँ पे, मतलब दोनों मिला के डी बाई फाइव एक बार और, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये वाला जो आपको लेंथ देखना रहेगा वो कितने के बराबर होगा, ये वाला लेंथ अगर इतने प्लेट को अगर यहाँ पे डाल दूंगा तो मेरा तीन होल प्रोड्यूस हो जाएगा, सो इट विल बी वॉट थ्री डी प्लस थ्री इंटू डी बाई फाइव, दो के बीच में डी बाई फाइव है, डी बाई फाइव है, तो यार इसमें डी बाई फाइव आधा इधर होगा, डी बाई फाइव आधा इसका इधर होगा, इधर जो भी होल प्रोड्यूस होगा, इधर जो भी होल प्रोड्यूस होगा, बड़ा ऑब्वियस है, ठीक। सो ये क्या मिल गया आपको, ओरिजिनल एरिया, यहां से आप ओरिजिनल एरिया निकाल सकते हैं, दैट इज योर फाइव फाइव थ्री इज फिफ्टीन, मतलब एटीन, एटीन डी बाई फाइव इंटू सेवन डी बाई फाइव, ये ओरिजिनल एरिया मिला प्लेट का, ये ओरिजिनल एरिया मिला प्लेट का। अगर मैं स्क्रैप का बात करूं, स्क्रैप का क्या किया, उसमें से ना ये वाला डी, ये वाला डी, ये वाला डी निकाल दिए, तीन अभी फिगर में जो दिख रहा है वही लिया हूं, सो तीन निकाल दिए, मतलब ये वाला पोर्शन निकाल दिए पाई बाई फोर, पाई बाई फोर माइनस माइनस पाई बाई फोर डी स्क्वायर,
सो ये क्या हुआ, ये आपका इसका एरिया मिल गया, स्क्रैप का एरिया मिल गया, स्क्रैप का एरिया मिल गया, इसका परसेंटेज पूछा है। सो ओरिजिनल एरिया ये था, ये स्क्रैप का एरिया हो गया। सो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया 18D बाई 5 इंटू 7D बाई 5 इंटू 100 परसेंटेज में है। सो ये क्या हो जाएगा, स्क्रैप परसेंटेज। क्या किया भाई, क्या किया, मेरे पास ओरिजिनल जो शीट था उसमें जिसमें मुझे ब्लैंक करना था, मुझे जिसमें होल निकालना था, मतलब होल बनाना था और ब्लैंक निकालना था, दैट इज योर ब्लैंकिंग, मतलब डिस्क बनाना था, ये बनाना था। सो ये स्क्रैप हो जाएगा। सो ओरिजिनल में अगर ये तीन निकाल दिए होंगे तो बचा ये, बचा ये डिवाइडेड बाय ओरिजिनल स्क्रैप दे देगा ये। सो ये तीनों को मैंने कंसिडर करके बनाया तब है। सो ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये कितना निकाले, यहां पे एक गलती कर रहे हैं जी, आपका कितना निकाले, थ्री ना माइनस 3π/4 डी स्क्वायर, तीन तीन डिस्क बाहर निकाले, कितना तीन डिस्क बाहर निकाले, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा 18/5 डी, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 7/5 माइनस 3 × π/4 18/5 इंटू 7/5 ये आ रहा है 53.25%। सो परसेंटेज स्क्रैप इज 53.25%, ये स्क्रैप परसेंटेज हो गया। सो प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट का परसेंटेज अगर कोई पूछ दिया तो, प्रोडक्ट परसेंटेज यार इसको 100 से माइनस कर दो, 100 से माइनस कर दूं, फोर्टी सिक्स पॉइंट सेवन फोर प्रोडक्ट का परसेंटेज 46.74%। सो ये ब्लैंकिंग के टाइम पे हुआ, ब्लैंकिंग के टाइम पे। अगर मैं पंचिंग उल्टा पूछता कि ये अगर पंचिंग का केस है, ये पंचिंग का केस है, सो परसेंटेज स्क्रैप ये स्क्रैप हो जाता, मतलब आपका उस केस में ना स्क्रैप परसेंटेज इन केस ऑफ पंचिंग, ये देखिए पंचिंग लिखा, अगर इसमें पंचिंग रहता तो पंचिंग के केस में प्रोडक्ट का परसेंटेज यही होता 53.25 और आपका स्क्रैप का परसेंटेज ये हो जाता 46.74%, इस तरीके से, ठीक। ये पंचिंग के केस में पॉसिबल था यार। इसी सवाल को ना यहां पे नंबर ऑफ ब्लैंक यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस, नंबर ऑफ डिस्क यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस, तो मैं ये कह रहा हूँ यार अगर ये सही है, सारी चीज़ें सही हैं, तो आप तो सिंगल होल या सिंगल ब्लैंक के लिए एरिया कंसिडर करके भी स्क्रैप परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे कि आप एक ब्लैंक प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ब्लैंक के लिए आपको कितना चाहिए, d/5 + d/5 + d, मतलब ये तो विड्थ उतना ही रहेगा। सो ये आपका, अगर मैं एक एक होल प्रोड्यूस करने के लिए ये कंसिडर करना चाह रहा हूं, ओरिजिनल प्लेट इसका विड्थ तो वही है 7d/5, ये चेंज नहीं हुआ। इधर अगर मैं बात करूं तो ये देखो ये हो जाएगा d, और इधर आधा d/5, इधर आधा d/5, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा d + d/5, मतलब दैट इज योर 6d/5। सो ओरिजिनल एरिया अगर सिंगल के लिए, सेकेंड मेथड में कह सकता हूं सिंगल सिंगल के लिए कंसिडर करके कर रहा हूं, तब भी आंसर सेम आना चाहिए भाई, ठीक है ना। सो सिंगल के लिए अगर किया तो ये हो जाएगा 6d 6d/5 इंटू 7d/5, ये ओरिजिनल हो गया, माइनस π/4। इसमें एक ही निकाल सकता हूं, इसमें तो एक ही ब्लैंक निकाल सकता हूं यार, इसमें एक ही ब्लैंक, इसमें तीन ब्लैंक निकाल पा रहा था, सो तीन को मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे एक ही ब्लैंक निकाल पा रहा हूं, तो एक दैट इज योर π/4 d², ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल
सिक्स बाई फाइव इंटू सेवन बाई फाइव डी स्क्वायर इंटू हंड्रेड। सो इसका भी आंसर आपका आना चाहिए 53.25%। अगर नहीं आ रहा है तो हम कैलकुलेशन या कहीं पे मिस्टेक किए होंगे, बट कॉन्सेप्ट इज द करेक्ट। चलिए चेक कर लेते हैं क्या सही है, क्या सही है क्या। सिक्स बाई फाइव इंटू सेवन बाई फाइव माइनस फाइव बाई फोर, यस 53.25 इट इज करेक्ट। सो ये सवाल में देखिए क्या पूछा गया है, कब पूछा गया है, और इसके अलावा और क्या क्या पूछ सकता था, है ना। सो क्लियर कट आपको पिक्चर दिखना चाहिए कि भाई ये ओरिजिनल रहा होगा, ओरिजिनल इसमें से अगर मैं ये प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, तीन प्रोडक्ट निकाला, सो बचा क्या स्क्रैप। सो ओरिजिनल में माइनस कर दिया, क्या ये प्रोडक्ट माइनस कर दिया तो स्क्रैप निकल आया। सो दिस इज योर स्क्रैप, परसेंटेज निकालना है तो ओरिजिनल से डिवाइड कर दिया इंटू हंड्रेड, खत्म। ठीक, सो ये समझ में आना चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं। बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42, दैट इज योर कॉमन डेटा क्वेश्चन। देखते हैं भाई क्या दिया। कह रहा है ना शेयर कटिंग ऑपरेशन, शेयर कटिंग बोला है ना भाई। शेयर कटिंग कर रहा हूं, कटिंग कर रहा हूं। शेयर कटिंग ऑपरेशन, शीट थिकनेस दे रखा है 5 mm, फाइव एम एम थिकनेस, द कट अलॉन्ग लेंथ ऑफ 200 mm, लेंथ ऑफ कट दे रखा है। आपको बोला है कि कट अलॉन्ग अ लेंथ ऑफ 200 mm, सो दिस विल बी द राइट नाउ लेंथ ऑफ कट। लेकिन ये डायरेक्ट लेंथ ऑफ कट इसको डिसाइड नहीं कर सकता, पहले तो मैं कटर का साइज देखूंगा। अगर कटर का साइज 200 mm से ज्यादा है, 200 mm विल बी द लेंथ ऑफ कट। मतलब क्या कह रहा है पता है, क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वाला साइड जो है वो 200 mm है और इसी के अलॉन्ग इस तरीके से आप काटने वाले हो, ये हो गया कटर। और कटर का लेंथ अगर 200 mm से ज्यादा है तो आप 200 mm मैक्सिमम काट सकते हो। अगर कटर का लेंथ 100 mm हुआ, अगर कटर का लेंथ 100 mm हुआ तो क्या एक बार में 200 mm काट सकते हो? नहीं काट सकते ना। चमकी बात, क्या बोला, ये इसका लेंथ, कटर का लेंथ अगर ज्यादा है 200 mm से, सो एक ही बार में काट देंगे आप। सो लेंथ ऑफ कट मैक्सिमम 200 mm हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट तो 200 mm है जिसको काटना है, जो शीट काटना है, सॉरी। ठीक, और अगर मैंने कहा कटर का लेंथ 100 mm ही रहा, ये रहा, सो 100 mm एक बार में तो 100 mm काट सकते हो ना, 200 mm तो नहीं काट सकते हो। जादू तो है नहीं कि लेजर चलाए हो गया, देख लिए जहां तक, समझ आ रही बात। ठीक, सो अभी लेंथ ऑफ कट नहीं बोल सकता, ये लेंथ ऑफ योर वर्क पीस है। लेंथ ऑफ कट कब डिसाइड करूंगा मैं, जब द कटिंग ब्लेड इज 400 mm लॉन्ग। सो ब्लेड लेंथ दे रखा है कितना, 400 mm। अगर ये 400 mm दे रखा है, नाउ आई कैन से कि कटिंग ब्लेड का लेंथ ज्यादा है कंपेयर टू वर्क पीस लेंथ, मतलब डेफिनेटली एक बार में वो 200 mm काट देगा। सो दिस इज नाउ लेंथ ऑफ कट।
लेंथ ऑफ कट। ध्यान रखना डियर, अगेन मैं कह रहा हूं, अगर ब्लड लेंथ यहां पे 100 एमएम होता तो लेंथ ऑफ कट मैक्सिमम 100 एमएम ही पॉसिबल था एक बार में 100 एमएम ही पॉसिबल था एक बार में। तो उसके बाद उसको मल्टीपल पास मतलब मल्टीपल कटिंग की जरूरत पड़ती है आपको। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। कह रहा है शेयर इज जीरो, ओके, इनिशियली शेयर इज जीरो बोला है, शेयर जीरो बोला है। इस प्रोवाइडर ऑन द एज द अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ, अल्टीमेट दिया है, दैट इज यूर ऑब्वियसली कटिंग के लिए आपको अल्टीमेट की ही जरूरत है, कटिंग के लिए आपको अल्टीमेट शेयर, जहां पे फ्रैक्चर हो, जहां पे ये कट जाए, सो अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ आपको दे रखा है 100 मेगा पास्कल। और पेनिट्रेशन टू थिकनेस रेशियो, पेनिट्रेशन टू थिकनेस रेशियो, यार पेनिट्रेशन क्या था, पीटी था, और थिकनेस क्या है, टी। सो यहां से पी की वैल्यू दे रखा है 0.2। पेनिट्रेशन पीटी था, बताया हूं भाई लास्ट क्लास में, ठीक, डिवाइडेड बाय टी। सो पेनिट्रेशन टू थिकनेस रेशियो आपको पी दे रखा है 0.2। नेगलेक्ट फ्रिक्शन कह रहा है एज्यूमिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व टू बी रेक्टेंगुलर, फर्स्ट केस में है ना, क्वेश्चन नंबर 41। सो इस समय पूछा है वर्क डन कितना होगा। सो यार आपका अगर वर्क डन इस केस में बोलूंगा तो एप मैक्सिमम इंटू पीटी था, एप मैक्सिमम इंटू पीटी, पीटी इज नथिंग बट परसेंटेज, पीटी इज नथिंग बट यूर पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन, ठीक। एप मैक्सिमम कैसे था, एल टी टाउ, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ कट, टी इज द थिकनेस ऑफ द शीट, टाउ इज द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द शीट, एंड इंटू पीटी, पुट द वैल्यू, लेंथ ऑफ कट कितना है 200 एमएम, थिकनेस कितना है 5 एमएम, टाउ कितना है 100 मेगा पास्कल, पी 0.2 एंड टी इज 5 एमएम। सो भाई निकाल लेते हैं, 200 इंटू 5 इंटू 100 इंटू 0.2 इंटू 5। देखिए जो भी आंसर आ रहा है वो न्यूटन एमएम में आ रहा है और आपको वर्क डन पूछा है जूल में, मतलब न्यूटन अगर इसको करूंगा यार 100 इंटू 10^3 न्यूटन एमएम में है, लेकिन मुझे चाहिए जूल में, मतलब न्यूटन मीटर में चाहिए, सो इसको 10^-3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, मतलब ये जूल में आ गया। सो दिस इज द एनर्जी और वर्क डन, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 100 न्यूटन मीटर विल बी द आंसर, 100 न्यूटन मीटर शुड बी द आंसर, ठीक। इस केस में क्या था, इस केस में क्या था कि आपका ये वाला जो कटर है वो विदाउट शेयर था, ये कटर हो गया विदाउट शेयर था, और इसका लेंथ कितना है 400 एमएम, और आपका वर्क पीस जो था वो इतना ही था, ये वर्क पीस था मतलब शीट था, 200 एमएम इसका लेंथ है, कितना काट सकता है 200 एमएम, ये थिकनेस 5 एमएम मान लिया लेटर साइज, सो इतना ही तो काट रहा था एक बार में। अब क्या कह रहा है सेकेंड पोर्शन में, कह रहा है यहां तक क्लियर होना चाहिए भाई कि एक बार में 400 एमएम भले लेंथ है कटर का, लेकिन वो 200 एमएम ही काट सकता है क्योंकि उससे ज्यादा लंबा प्रोडक्ट नहीं है आपका, ठीक है, उससे ज्यादा लंबा आपका शीट नहीं है भाई। सेकेंड पोर्शन में बोला है द शेयर ऑफ 20 एमएम इज नाउ प्रोवाइडेड ऑन द ब्लेड, ओके 20 एमएम आप प्रोवाइड कर दिया, 20 एमएम आप, ठीक ये यूज करता हूँ, 20 एमएम आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इट मींस दैट इट इज 20 एमएम ना, ये 20 एमएम है, 20 एमएम यहां पे है, ये जो कटर है वो अब ऐसा हो गया, बट ऑब्वियसली अब ये बताओ यार कटर जब कट करेगा तो ऑब्वियसली ये इनिशियल पोर्शन यहां पे टच करेगा, और यहां पे मैक्सिमम प्रोडक्ट पे शेयर कितना आया, कटर का शेयर आपने 20 एमएम दिया, लेकिन जब कट कर रहा है सो इस पोर्शन पे कितना शेयर रहेगा उसका, ये तो 20 एमएम है, ये हाफ है, सो यार एक
यहां पे कितना शेयर है वो देखना चाह रहा हूं कि जहां पे ये कट करेगा, जहां पे ये कट करेगा। क्योंकि आप सोचिए, आप सोचिएगा है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ये मेरा कटर है, ये मेरा कटर है, इस पे अब मैंने शेयर दे दिया, इधर से ऐसा शेयर दे दिया, ये 200 mm जो काटना है मुझे। सो अगर मैं काटूंगा तो ये देखो ये कट रहा है, सो यहाँ पे शेयर, ये प्रोडक्ट जो शीट है ना, वहाँ पे शेयर कितना आया, 20 mm तो पूरा नहीं आएगा, 20 mm से कम आ रहा है, बिकॉज ब्लेड बड़ा है, शीट से जितना कट करना है उससे बड़ा है। सो कितना आ रहा होगा, राइट ये सिमिलर ट्रायंगल से निकाल सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा, ये वाला 200 mm है, ये टोटल 400 mm है। सो यहाँ पे 400 डिवाइडेड बाई 200, 20 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इसको एस डैश बोल दिया, जो निकालना है मुझे एस डैश हो गया। सो ये हो जाएगा कैंसल, ये हो गया एंड टू, सो एस डैश इक्वल टू आ गया 10 mm। सो एक्चुअल शेयर जो वर्क करेगा फॉर द प्रोडक्ट वो कितना होने वाला है, 10 mm। अगेन रिपीट कर रहा हूं यार, आपका ब्लेड का साइज बड़ा है, आप तो अगर ये 800 mm होता, आप 100 mm का शेयर देते, कोई मतलब था क्या? शेयर कहां पे यूज हो रहा है, शेयर कहां पे यूज हो रहा है, शेयर का काम कहां पे है, जहां पे ये कट करेगा। यार ये वाला शेयर यहां पे आ रहा है, उसके बाद वाले शेयर का कोई मतलब है क्या? नहीं है ना, नहीं है, बट ऑब्वियस है। सो दिस शेयर विल बी यूज्ड। सो नाउ माय डियर, जस्ट यूज फॉर्मूला। यहां पे क्या दिया है आपको, क्वेश्चन में दे रखा है कि एज्यूमिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व टू बी ट्रेपेजॉइडल, ट्रेपेजॉइडल दे रखा है, तब मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू पूछा है। ठीक है यार, निकाल देता हूं, ये इरेज कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 42, ट्रेपेजॉइडल दे रखा है और इस केस में एप इक्वल टू क्या होता है, एप मैक्सिमम पीटी डिवाइडेड बाय एस, ये यही करवाया था मैं, ठीक है ना। ये सर्कुलर तो नहीं है, सर्कुलर तो नहीं है, शेयर कटिंग है, ऊपर से ट्रेपेजॉइडल भी दे रखा है, तो यही फॉर्मूला यूज होगा। सो यार एप मैक्सिमम इंटू पीटी आपका निकाल चुका हूं मैं, 100 × 10³ न्यूटन एमएम में था, क्योंकि एस मैं कंसिडर करूंगा एमएम में, और यहां पे कौन सा होगा, एस डैश होगा, दैट इज योर 10 mm है ना। सो ये हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो भाई कितना आ रहा है, फोर्स पूछा है किलो न्यूटन में, फोर्स पूछा है किलो न्यूटन में, दैट शुड बी द 10 kN है ना। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, ये तो दिख रहा है आपका 10 kN कितना हो जाएगा, दिस इज द फोर्स 10 kN विल बी द फोर्स जब आपने शेयर दे दिया था। सो दिस शुड बी द आंसर। सो समझ में आना चाहिए कब क्या किए, पूरा दिखना चाहिए पिक्चर, तभी मजा आएगा और तभी आपको ना क्वेश्चन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट, इसी को तो कहते हैं, और कुछ नहीं है। क्या होता है कॉन्सेप्ट, कि आपको चीजें दिखनी चाहिए, हाँ सर सही वे में चल रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 43 ये इरेज कर देता हूं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, डिटरमाइन द लोड रिक्वायर्ड टू पंच अ 20 mm डायमीटर डाया इक्वल टू, दैट इज गिवन 20 mm, ओके, थिकनेस ऑफ द शीट इज गिवन 2 mm, डिटरमाइन लोड रिक्वायर्ड टू पंच 20 mm डायमीटर होल इन 2 mm थिक शीट
द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल ऑफ द शीट आर, टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखा है 580 मेगा पास्कल, यील्ड टेंशन, यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन दे रखा है, चार सौ दस मेगा पास्कल, 410 मेगा पास्कल, शेयर स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ दे रखा है 350 मेगा पास्कल एंड यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ इन शेयर 250 मेगा पास्कल। आपको ऑप्शंस दे रखा है, लोड बोला है किलो न्यूटन में, तो ऑप्शंस खैर आप देख लीजिएगा, है ना। मेरा इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पे है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है ना। आपको पूछा है फोर्स लोड इन किलो न्यूटन, मैक्सिमम फोर्स ऑब्वियसली, ठीक है ना माय डियर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपको, यार आपको ना इस पे, इस सवाल में ना कुछ नहीं करना है, इस सवाल में तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है। दैट इज योर एप मैक्सिमम इक्वल टू, कोई शेयर वेयर का चक्कर ही नहीं है, सो एप मैक्सिमम इक्वल टू एल टी टाउ, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ कट, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ कट, सो पाई डी, डी इज द 20 mm, टी 2 mm, टाउ इज द शेयर स्ट्रेंथ, बट यहां पे ना चार स्ट्रेंथ दे रखा है, सो टेंशन तो नहीं है, तो ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। अब शेयर स्ट्रेंथ में भी दो दे रखा है, यील्ड एंड शेयर स्ट्रेंथ, है ना, यील्ड स्ट्रेंथ इन शेयर एंड शेयर स्ट्रेंथ। नाउ माय डियर, अगर आप यील्ड कंसीडर करते हैं तो देयर विल बी यील्डिंग, कटिंग नहीं होगा, यील्डिंग होगा, यील्डिंग मतलब ऐसा खिंचा जाएगा, वो कट नहीं कर रहा है, वो कट नहीं कर रहा है, आपको तो कटिंग करना है, सो दैट टाइम रिक्वायर्ड अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ एंड दिस विल बी यूज, ये यूज होगा, ये यूज नहीं करोगे, क्योंकि आपको कटिंग करना है भाई, आपको कटिंग करना है। सो इस सवाल में बस यही पॉइंट था एक, है ना। सो आपका 14 into 2, ठीक है, ये हो गया लेंथ ऑफ कट, लेंथ ऑफ कट इंटू थिकनेस इंटू टाउ, दैट इज योर 350 मेगा पास्कल। सो जो भी फोर्स आएगा वो न्यूटन में आएगा, और आपको पूछा है किलो न्यूटन में, तो किलो न्यूटन में अपन निकाल देते हैं भाई कितना आएगा, पाई इंटू 20 इंटू 2 इंटू 350, 43.982 किलो न्यूटन विल बी द आंसर। सो एज पर द क्वेश्चन आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसमें देख लीजिएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला है, ठीक है। हाँ, इरेज कर रहा हूँ भाई अब। सो दिस इज अबाउट योर व्हाट, कि शीट मेटल ऑपरेशन में एक पोर्शन है जो आपको करना है, दैट इज योर पंचिंग ब्लैंकिंग वाला जो पोर्शन है वो करना है, उसके सारे फॉर्मूले जो भी रिक्वायर्ड चीजें थी मैंने बता दिया, उसमें बहुत सारे सवाल और दिखेंगे आपको, बहुत सारे और सवाल दिखेंगे जो आप अब आराम से मुझे लगता है अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन थे वो मैंने उठा लिया, है ना, और बता दिया आपको, तो बाकी सवाल अब आपसे होना चाहिए भाई। और अगर सवाल बनाओगे तभी मजा आएगा, तभी प्रिपरेशन का मजा है, तभी पढ़ने का मजा है, तभी आउटपुट है। वैसे में ना कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मत पढ़िए, इससे अच्छा तो दूसरी चीज करिए, प्रोडक्टिव होना जरूरी है, और आप पढ़ प्रोडक्शन, ठीक है ना। और मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, ये जो मैं बीच बीच में बोलता हूँ ये उन लोगों के लिए है जो ना थोड़ी दूर जाते हैं उसके बाद रुक जाते हैं यार, या तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, कहीं अगर आपको जाना है और आप बस का इंतज़ार कर रहे हैं, बस आई नहीं, और जो जगह जाना है वो आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ से 20 किलोमीटर है, जो टाइम था बस का वो टाइम में बस आया नहीं, और आपको वहाँ पहुँचना है 3 घंटे में, तो आपने सोचा था कि पहले निकल जाऊँगा मैं बस से, चला जाऊँगा वहाँ आराम करूँगा, इस तरीके से आपने सोचा था।
लेकिन अब तो बस आई नहीं, तो क्या आप जाएंगे ही नहीं क्या? पैदल निकल जाओ यार। जब तक नहीं लिख लोगे, जब तक चलना नहीं शुरू करोगे, तब तक मंजिल नहीं मिलेगी, याद रखना। ये सबके लिए है, ये सबके लिए है। जब तक आप चलना नहीं शुरू करोगे, तब तक मंजिल नहीं मिलेगी, तब तक हम जीवन कुछ भी अचीव नहीं कर सकते भाई। हमको चाहिए यार, खाने के लिए लोगों को मेहनत करना पड़ता है, मतलब लोगों को क्या, मतलब सबको मेहनत करना पड़ता है खाने के लिए, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि हाँ रख दिए थाली आ जा मुंह में, नहीं है ना भाई, आपको चबाना पड़ेगा, मुंह तक लाना पड़ेगा। मेहनत हर जगह है, बस उसको ना थोड़ा सा पैशन के साथ, खुशी के साथ, खुशी होना जरूरी है, तभी मजा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं भाई, एक होता है शीट मेटल ड्राइंग, शीट मेटल ड्राइंग। इसमें क्या करते हैं, आपका जो शीट होता है उसको 3D कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब आपका शीट दैट इज योर 2D इज कन्वर्टेड इनटू शीट को 2D क्यों मानते हैं? बिकॉज उसका लेंथ और विड्थ ज़्यादा है कंपेयर टू थिकनेस, तो थिकनेस बहुत कम रहता है, तो दैट्स वाई उसको 2D टू डायमेंशनल में अपन एज्यूम कर सकते हैं। सो शीट इज कन्वर्टेड इनटू 3D प्रोडक्ट्स, लाइक गिलास वगैरह देखे, स्टील गिलास वगैरह है ना, वो आपका डीप ड्रॉइंग का पोर्शन होता है, दैट इज नथिंग बट चीजें सेम होंगी ऑलमोस्ट, ठीक है ना। सो अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि आपके पास एक ब्लैंक होता है, T is the thickness of this, and let us assume initially D is the dia of blank. This is your blank. ये blank है, क्या करूंगा इस blank को मैं, इस तरीके से मेरे पास सेटअप होगा एक, ये इस तरीके से कुछ आपका रहने वाला है, ये आपका शीट हो गया भाई। टी थिकनेस था इसका, टी थिकनेस था, ठीक। ये जो ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, वहां पे रख दिया, और यहां पे ब्लैंक होल्डर रहता है, दिस इज योर ब्लैंक होल्डर। होल्डर ऊपर से क्या आता है, एक पंच आता है, पंच रहेगा, वो नीचे की ओर आ रहा है,
पंच जैसे जैसे आएगा तो एक टाइम के बाद ना ये धीरे 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 नीचे आते जाएगा, ये वाला शीट जो है वो नीचे आते जाएगा और इट विल लुक लाइक इस तरीके से कुछ। ये रेड कलर जो बना रहा हूं वो क्या हो रहा है कि आपका ये पंच आ गया और ये जो शीट है वो इस शेप में कन्वर्ट हो गया, इस तरीके से ये शीट आपका कन्वर्ट हो गया। आपका पंच अभी यहां पहुंच गया होगा, आपका पंच यहां पहुंच गया होगा इस तरीके से, ठीक। ये आपका पंच होगा, मतलब आपने क्या किया, ये जो ब्लैंक है उसको इस तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा भी और कन्वर्ट कर सकते हो लेकिन आपने इस तरीके से, टी आपका थिकनेस है, लेट अस अज्यूम टी थिकनेस सेम का सेम रहा है ना, थिकनेस चेंज भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, इन जनरल सेम रहता है, ठीक है ना। तो टी आपका इस तरीके से रहा एंड लेट अस अज्यूम दिस इज डाया ऑफ प्रोडक्ट एंड एच इज द हाइट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक। तो हुआ क्या, हुआ क्या कि यहां पे ये जो आपका प्रोडक्ट था, ये जो ब्लैंक था वो कन्वर्ट हो गया इस प्रोडक्ट में, मतलब वॉल्यूम ऑफ ब्लैंक शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू चेंज, वॉल्यूम शुड बी सेम। सो इफ वॉल्यूम इज सेम इट मीन्स दैट इट विल बी पाई बाय फोर डी स्क्वायर इन टू टी, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द ब्लैंक, दिस शुड बी द वॉल्यूम ऑफ द ब्लैंक शुड बी इक्वल टू इसका आपका वॉल्यूम कितना होगा बॉटम का पाई बाई फोर स्मॉल डी स्क्वायर इन टू टी, ये बॉटम का वॉल्यूम हो गया बॉटम का, एंड ये जो आपका ये चारों तरफ एक कप टाइप का बन गया, एक कप टाइप का बन गया, सो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई डी एच पैरीमीटर हो गया, पाई डी एच पैरीमीटर हो गया, सॉरी पाई डी इज द पैरामीटर इन टू एच इज द वॉट हाइट वाला एरिया इन टू टी कर दिया तो वॉल्यूम निकल जाएगा। सो प्लस पाई डी इज द पैरामीटर इन टू एच मतलब ऊपर तक पहुंच गया इन टू टी कर दिया तो वॉल्यूम आपका निकल गया, ठीक। सो यार यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि डाया आपका क्या थिकनेस आपका क्या है सेम है, अगर थिकनेस अलग भी होता, थिकनेस अलग भी होता है ये वाला T1 हो जाता ये T2 हो जाता तो यहाँ पे जस्ट आपको ये T2 और T1 इस तरीके से आपको पुट करना रहता और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इन जनरल मैंने बोला थिकनेस सेम एज्यूम करना है, वो थिकनेस अगर अलग अलग एज्यूम करना रहेगा तो वो क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, वो दिया रहेगा भाई, ठीक है ना, जो कि आज तक नहीं हुआ है, ठीक। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से थिकनेस थिकनेस कैंसिल हो जाएगा, पाई 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 भी कैंसिल हो गया, सो डी स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल डी स्क्वायर प्लस फोर डी एच, मतलब ब्लैंक साइज इज इक्वल टू रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस फोर डी एच, ये आपका ब्लैंक साइज निकल आया। एंड दिस इज यूज्ड है ना, ये आपका फॉर्मूला है जो कि जनरल फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, और ये नॉर्मली जब यूज होता है सो आपका जो डाया ऑफ प्रोडक्ट है, दिस इज द डाया ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है भाई, साथ के साथ आप लिख लिया करो, मैं तो दिखा दिया ना, दिखा दिया। सो दिस इज द डाया ऑफ प्रोडक्ट, सो डाया ऑफ प्रोडक्ट अगर आपका डी है, और डाया ऑफ प्रोडक्ट जो डी है वो आपका ग्रेटर देन 20 आर, आर इज द कॉर्नर रेडियस, ये कॉर्नर में ना रेडियस इन जनरल आपको दिया जाएगा ताकि वो फ्रैक्चर ना हो, ठीक है ना। सो अगर यहां पे आर क्या है कॉर्नर रेडियस, सो कॉर्नर रेडियस अगर डी इज ग्रेटर देन 20 आर रहा तो ये फॉर्मूला यूज होगा, या नॉर्मली अगर कॉर्नर रेडियस नहीं भी दिया है, कॉर्नर रेडियस दिया है तो चेक कीजिएगा, चेक करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है,
ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है, ये देख लीजिएगा। अगर डी जो प्रोडक्ट आया है वो 20 आर से बड़ा रहा, मतलब ये फॉर्मूला यूज होगा। हो सकता है कि आपका कॉर्नर रेडियस ना दिया रहा है, तब भी ये फॉर्मूला यूज करना है। मतलब दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज होगा ज्यादा टाइम पे, ठीक। एक कंडीशन ये हो सकता है कि डी जो आपका स्मॉल डी है वो आपका 15 आर और 20 आर के बीच में हो, 15 आर और 20 आर के बीच में हो, कॉर्नर रेडियस, वेयर आर इज द कॉर्नर रेडियस। सो ये जो फॉर्मूला है डी इक्वल टू रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस 4 डी एच माइनस 0.5 आर, सो ये आपका डायऑप ब्लैंक होगा, ये डायऑप ब्लैंक होगा। साथ के साथ अगर देखिए डायऑप ब्लैंक मैंने दो फॉर्मूला बताया, ये इन जनरल आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, और अगर कॉर्नर रेडियस दिया है तो डी आपका जो प्रोडक्ट आया हो 20 आर से अगर ज्यादा रहा तो ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर कम रहा तो ये फॉर्मूला यूज करना है जिसमें आप हाफ माइनस कर देंगे कॉर्नर रेडियस का, ठीक। यहां तक मैंने बता दिया। अब देखिए साथ के साथ हो सकता है आपको, ये तो ब्लैंक डायल निकालने का सिंपल फॉर्मूला मैंने बता दिया, आपको ये भी कह सकता है कि यार मेरा ना यहाँ पे ट्रिमिंग अलाउंसेस है। क्या है? ट्रिमिंग अलाउंसेस दे रखा है। ट्रिमिंग अलाउंसेस मतलब क्या होगा कि ये जब प्रोडक्ट बना रहे हो, तो ये इस तरीके से कुछ बना, ये नोट कर लियो ना, ये पूरा नोट कर लो भाई, नोट कर लो, ये इधर कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो या तो रुक रुक के, है ना, वीडियो को रोक रोक के आप नोट किया करो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोला आपका प्रोडक्ट ऐसा बना, इट मे बी यार ये इस तरीके से अगर बनता है, है ना, सो इट मे बी कि यहां पे ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा पोर्शन ऐसा कुछ बनाऊं, बड़ा पोर्शन, ठीक है ना। सो ये वाला पोर्शन अभी हटा रहा हूं, ये वाला पोर्शन हटा रहा हूं, मतलब आपका एक एक्स्ट्रा पोर्शन एडेड रहेगा, बाद में उसको ट्रिम करके निकाल दूंगा। मतलब आप ब्लैंक में एक्स्ट्रा पोर्शन ऐड करेंगे। सो इसके साथ के साथ अगर क्वेश्चन में मेंशन है, सवाल में मेंशन है, सो आप ऐड करेंगे ये फॉर्मूला के साथ प्लस ट्रिम अलाउंस। ये सवाल में दिया रहेगा ना, ट्रिम अलाउंस, ठीक, ये दिया रहेगा, तब ऐड करूंगा। अब देखिए एक्चुअली जो ब्लैंक होल्डर है ना, ब्लैंक होल्डर में आपका अगर फोर्स ज्यादा रहा, ज्यादा होल्ड करके रख दिए, सो पंच जैसे ही नीचे आएगा तो साइड साइड से फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं। सो ब्लैंक होल्डर फोर्स ज्यादा रहा तो देयर विल बी फ्रैक्चर, तो एक डिफेक्ट है ना, फ्रैक्चर हो सकता है। कब हो सकता है? ब्लैंक होल्डर फोर्स इज मोर, सो देयर विल बी लाइक दैट, ऐसा कुछ है, और यहां से ये फ्रैक्चर हो गया। ये अलग निकल गया, ये वाला पोर्शन यहां से अलग निकल गया। सो ये फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं अगर ब्लैंक होल्डर फोर्स ज्यादा रहा तो। ब्लैंक होल्डर फोर्स अगर कम रहा, सो देयर विल बी रिंकल्स
रिंकल्स कब, जब ब्लैंक होल्डर फोर्स इज लेस। अगर ब्लैंक होल्डर फोर्स लेस रहा सो देयर विल बी चांसेस ऑफ रिंकल, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसमें रिंकल्स दिखेंगे इस तरीके से। इस तरीके से थोड़े रिंकल्स दिखेंगे, मतलब क्या हुआ कि जैसे ही इसको आप ले जाएंगे तो ये साइड साइड से खींचा जाएगा, साइड साइड से ऐसे खींचा जाएगा। वो कब होता है, अगर ब्लैंक होल्डर फोर्स कम होगा तो। सो दीज आर नथिंग बट योर डिफेक्ट्स, इसके अलावा भी और डिफेक्ट्स होते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए था, इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, सो दिस इज अबाउट योर व्हाट, ड्राइंग, दिस इज अबाउट योर ड्राइंग, है ना। एक सवाल मैं कंसिडर कर रहा हूँ, एक से दो सवाल ये इरेज कर रहा हूँ भाई, ये रेस कर रहा ये सवाल जो करा रहा हूँ वो एक्स्ट्रा सवाल है, ये आपके वर्कबुक में नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर वन ड्राइंग का है, शीट मेटल ड्राइंग। ये कह रहा है अ शेल ऑफ 100 mm डायमीटर एंड 100 mm हाइट, 100 mm डायमीटर एंड 100 mm हाइट। अ शेल ऑफ 100 mm डायमीटर एंड 100 mm हाइट विथ कॉर्नर रेडियस ऑफ 0.4, कॉर्नर रेडियस 0.4 mm इज गिवन, विथ कॉर्नर रेडियस ऑफ 0.4 mm इज टू बी प्रोड्यूस बाई कप ड्रॉइंग, इज टू बी प्रोड्यूस बाई कप ड्रॉइंग, द रिक्वायर्ड ब्लैंक डायमीटर इज, द रिक्वायर्ड ब्लैंक डायमीटर इज, ऑप्शन है 118 mm, 161 mm, 224 mm, 312 mm। ये गेट का सवाल है, गेट 2003 में पूछा गया है, ठीक, पीआई का पोर्शन का है आई थिंक, है ना। सो ये सवाल आपको वर्कबुक में नहीं मिलेगा, जो आपको मिला क्रैश कोर्स में उसमें नहीं मिलेगा, ये एक्स्ट्रा सवाल है, तो मैंने डिक्टेट भी कर दिया, तो उस समय आप नोट कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने डेटा सामने दे दिया भाई, है ना। इसके लिए हल्ला नहीं चाहिए मुझे कि सर हमको सवाल नहीं मिला ये वो, बोल दिया ना भाई, बोल दिया, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको डाया प्रोडक्ट दिया है क्या, यस। कॉर्नर रेडियस दिया है क्या, यस, दोनों दे रखा है। तो सबसे पहला धर्म क्या बनता है हमारा यहाँ पे, सबसे पहला धर्म बनता है कि मैं चेक कर लूँ कि 20R कितना हो रहा है। सो 20R अगर मैं करूँगा तो 20 × 0.4 इट इज 8 mm, 8 mm यार, 8 mm से ज़्यादा है क्या D, यस yes. मतलब आपका जो फॉर्मूला होगा D शुड बी इक्वल टू रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस 4DH, यही फॉर्मूला होना चाहिए, यही फॉर्मूला होना चाहिए। पुट द वैल्यूज, रूट ओवर डी स्क्वायर दैट इज योर 100² प्लस 4 × 100, एज भी आपका 100 दे रखा है, 20
सॉरी 223.6 mm, मीन्स अप्रॉक्सीमेट आई कैन से 2 to 4 mm. 2 to 4 mm विल बी द आंसर. ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर पर्टिकुलर दिस सवाल. ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट होगा. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल. आगे बढ़ता हूं, एक सवाल और आप लोगों के लिए. ये सवाल है, ये भी गेट का सवाल है भाई. ये पूछा गया है गेट 2004 में. पीआई का सवाल है ये. और ठीक है, क्या कह रहा है? अ सिलेंड्रिकल कप ऑफ 48.5 mm डायमीटर. ओके, डाया दे रखा है 48.5 mm. वापस रिपीट कर रहा हूं, लिख लेना सवाल. अ सिलेंड्रिकल कप ऑफ 48.5 mm डायमीटर एंड 52 mm हाइट. हैज अ कॉर्नर रेडियस ऑफ 1.5 mm, कोल्ड रोल्ड. आपको कॉर्नर रेडियस दे रखा है, उसके आगे बोल रहा है ना, कोल्ड रोल्ड स्टील शीट ऑफ थिकनेस 1.5 mm. थिकनेस 1.5 mm इज यूज टू प्रोड्यूस द कप. एज्यूम ट्रिम अलावेंस दे रखा है. ट्रिम अलावेंस एज 2 mm पर 25 mm, ऑफ कप डायमीटर. दे रखा है भाई. सो देखो, कप का डायमीटर कितना है? 48.5. सो हर एक 25 mm कप का डायमीटर में कितना देना है? 2 mm. टोटल कितना है? 48.5. सो 48.5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 2 mm, दैट विल बी द टोटल ट्रिम अलाउंसेस. यही होना चाहिए. साथ के साथ अच्छा, इसमें ऑप्शंस के बारे में मैं बात कर लेता हूँ. ऑप्शंस क्या क्या दे रखा है ना, ताकि आप ये वीडियो रोक के आंसर करने की कोशिश करें तो आंसर कर सकते हैं बढ़िया से. ऑप्शन ए दे रखा है 102, ऑप्शन बी दे रखा है 115.4 mm, ऑप्शन सी 120.5 mm, ऑप्शन डी 128.5 mm. ये mm में दे रखा है. सो यार, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं चेक कर लेता हूँ कॉर्नर रेडियस के हेल्प से. सो 20 इंटू आर मतलब 1.5 mm कितना आ गया? 20 10 30 है ना, 30 से आ रहा है. 3 by 2 2 3, ठीक है, वही तो आ रहा है. 30 mm मतलब ये देखो, क्या आपका डी 20 आर से बड़ा है? यस. सो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग जाएगा? ब्लैंक डाया डी इक्वल टू रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस 4DH एंड प्लस ट्रिम अलाउंसेस. सो ट्रिम अलाउंसेस कितना है? 2 mm. ठीक है, ट्रिम अलाउंसेस ये ऐड करना रहेगा. ठीक है, पुट द वैल्यूज, रूट ओवर डी स्क्वायर. डी कितना है? 48.5 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 48.5 इंटू एच 52 प्लस ट्रिम अलाउंसेस कितना है भाई? 2 mm 25 mm के लिए है, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 25. लेकिन टोटल डाया कितना है? टोटल डाया है 48.5. समझ में आ रही है क्या बात? 48.5 टोटल डाया है और 25 mm डाया के लिए आप 2 mm देंगे. सो 48.5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 2 mm. ठीक, सो यहां से निकाल लेते हैं भाई इसको. प्लस 4 इंटू 48.5 इंटू 52 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 48.5 115.41 mm. सो 115.4 mm.
सो दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन. सो कुछ चीजें और मैंने बता दिया आपको, ये फॉर्मूलेस आपके पास होने चाहिए. अगर देखेंगे आप गेट में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, सो ये पता होना चाहिए यार एटलीस्ट, है ना. सो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं सवाल. सो होपफुली आपको ये लेक्चर मजा आया होगा, मुझे तो बहुत मजा आया पढ़ाने में, ठीक है ना. और मजा बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे आप लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, जैसे जैसे आप लोग बताते जा रहे हैं कि यार हमको मजा आ रहा है, मुझे मेरा मजा दुगना होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है. एंड आई एम हैप्पी कि ये लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है. दैट्स वाई मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ, है ना, कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है. सो थैंक यू सो मच, है ना. आप लोगों का प्यार मिल रहा है, ये बनाए रखिएगा. मैं भी मेरे तरफ से जितनी भी कोशिश है ना, जितना भी एफर्ट है मैं इनपुट डालूंगा. अभी बचा हुआ टाइम में हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा करें, और अभी तक करें हैं भाई, इतने दिन तक किए हैं, आगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे. सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल.